नाथ न पीछे पगा। अभी तो तुम्हें हर चीज में रोक टोक लगती है, जब तुम्हारी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो तुम पता कैसे हो जाओगे, आगे नाथ न पीछे पगा, कोई रोक टोक नहीं, फिर तुम्हारे नाल कसी जाएगी, तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, फिर तुमने अगर 6 से 6:15 भी बजाए, 6 से 6:02 भी बजाई, या मान लो रास्ते में जूते का फीता खुल गया, उसे बांधने में तुम्हारी 2 मिनट लग गई, तो पूछा जाएगा, रोज तो 6 बजे आ जाते थे, आज 6:02 कैसे हो गई? अरे वो कुछ नहीं, नीचे शर्मा जी पड़ोसी जो हैं, ये मिल गई थी, पूछ रही थी हाल चाल, उसी के घर जाके खा ले, यहां क्यों आया है, जा शर्मा जी के पड़ोसी के घर खा ले। फिर कई महीनों तक उस शर्मा जी भी पूरी नजर रखी जाएगी, कहीं तुम दूसरे दिन भी तुम मिल गए तो आगे नाथ ना पीछे पगा। बेरोजगारी में भी बहुत रोक टोक होती है, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कितने, लेकिन जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, ओ एकदम खुले। एक हमारे गांव में कहावत होती है बिजार, बिजार समझते हो, बिजार खुले एकदम, ओ किसी के खेत में घुस जाता है वो, उसे कोई रोक टोक नहीं है, फिर तुम्हारे नकेल कसी जाएगी, तुम्हारे अंजर पंजर टाइट किए जाएंगे, ढीले होंगे, फिर तुम्हारे ऊपर एक आईबी का एजेंट बिठाया जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा, खुद तो फ्री रहेगा ही, तुम्हें भी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ये क्यों पहन रहे हो, ये क्यों नहीं पहन रहे हो, ये इस पहन रहे हो तो इस तरह से क्यों नहीं पहन रहे हो। तो भाई साहब ये नखून, मैं तो सोचता हूं मेरे तो नखून बढ़े रहते हैं, मैं तो जिंदगी भर इसी के लिए सुनना पड़ता दिखे, इसलिए मैंने अभी तक कुछ हामी ना भरी, पता चले मैं नहीं काटता भी मेरी मर्जी, पूरी जिंदगी नखून नहीं काटे, तेरे बाप का जा रहा है कुछ क्यों काटू, मेरे नखून मैं तो नहीं काट रहा, लेकिन वो आगे नाथ ना पीछे बगा वाली बात है, अभी तो मर्जी, लेकिन आगे जाके नहीं हो क्या पता, इसलिए बेरोक